आसिफ समाचार से मैं मोहम्मद आसिफ हम लोग मौजूद है धर्मतल्ला के टीपू सुल्तान मस्जिद के पास। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली निकाला गया है जो 3 कृषि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया है उसके विरोध में। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आज रैली निकाले हैं। आप लोग किस लिए आज हम ले हावड़ा से कृषि आइन के वास्ते आए। हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार जितना जल्द हो ये कृषि आइन को वापस ले। आज हमारे कृषक लोग अन्नदाता लोग रास्ता पे बैठा हुआ है, वो अपना घर अपना जाए अपना परिवार को संभाले, ये अन्याय खत्म करना चाहिए। आज हमारा आंदोलन का मूल कारण है गैस और पेट्रोल का, जिस तरह से देश में दाम बढ़ रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहा था कि वो भाग्यशाली प्रधानमंत्री है, मगर देखा गया कि जब $145 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम था तब मनमोहन सरकार में ₹70 लीटर डीजल मिलता है। आज नरेंद्र मोदी ₹90 बेच रहा है। किसान आंदोलन करके जान दे रहे हैं, मगर ऐसा सरकार जो सिर्फ पूंजीवाद को भला करने के लिए इस देश पर आया है, इस देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे शासक को उसके कुर्सी से उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और नरेंद्र मोदी को भाजपा सरकार को गैस और पेट्रोल का दाम अभी के अभी वापस लेना होगा। लॉकडाउन से लोग तराई तराई है, पेट्रोल और डीजल के मार से देश बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हजारों की तादाद में आज रैली निकाला गया है 3 कृषि कानून जो काले कानून सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया है उसके विरोध में। काफ़ी भीड़ लगी हुई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अधीर चौधरी जिंदाबाद, अधीर चौधरी जिंदाबाद। लोग काफी तादाद में बैठे हुए हमारे जो पीछे माइक वैन है उसको लेकर अधीर चौधरी के मिशन में हम लोग चल रहे थे। पुलिस ने दलाली करने के लिए चाबी जबरदस्ती उनसे छीना है, हमारी गाड़ी को रोका है, उसके प्रतिवाद में हम यह रास्ता बंद करके बैठे हैं। जब तक हमें गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी आप लाठी मारे गोली चलाए हम यहीं बैठे रहेंगे, रास्ता जाम होगा होने दे हमें, लेकिन हमारी चाबी चाहिए, हमारी चाबी चाहिए। रैली हम लोग गवर्नर हाउस का घेराव के लिए हमारा मामला था, हम वहाँ जा रहे थे लेकिन पुलिस के लोगों ने हमारे मिशन को रोकने के लिए यहाँ पर चाबी रोका था। हम लोग मौजूद है गवर्नर हाउस के पास, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग तादाद में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि के लोग आए हुए हैं आज, आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी गवर्नर हाउस को घेराव कर रही है जिसमें मौजूद है अधीर चौधरी। गवर्नर हाउस का घेराव करते हुए हमारे साथ मुख्तार का वाइट लेना, मुख्तार मोहम्मद मुख्तार भी मौजूद है, मोहम्मद मुख्तार भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इतने किनारे गवर्नर हाउस घेराव करने के लिए आज जमीन पे बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गवर्नर हाउस घेराव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिससे पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप रास्ता छोड़ दें।